प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को गुजरात में बने सूरत डायमंड बोर्ड यानी एसडीबी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। इसमें 4500 से अधिक दफ्तर है। इससे पहले पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर एक नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया और रोड शो भी किया। सूरत डायमंड बोर्ड को 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फरवरी 2015 में शुरू हुआ था। अप्रैल 2022 में इसका पूरा काम हुआ। एसडीबी को सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप हब के रूप में स्थापित किया है। सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब जानते हैं पीएम मोदी के भाषण से संबंधित बड़ी बातें। पूरे देश के आर्किटेक्चर के स्टूडेंट को यह बिल्डिंग दिखाना चाहिए। पंच तत्व क्या होता है यह दिखाने के लिए लैंडस्केप की दुनिया में जो काम करते हैं उन्हें भी यहाँ बुलाइए। मोदी ने यह भी कहा कि सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख लोगों को रोजगार दे रही है और डायमंड बोर्ड से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है, लेकिन पूरी जेम्स ज्वेलरी में भारत का केवल 3.5% है। सूरत अगर चाहे तो भारत जल्द डबल डिजिट में आ सकता है। आज ही सूरत के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दर्जा मिल गया है। सूरत की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो गई है। बहुत जल्द हांगकांग की फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इस साल अगस्त में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह बिल्डिंग का नाम दर्ज हुआ है। यह इमारत 35.54 एकड़ में फैली है। इसका बिल्डअप एरिया 67 लाख वर्ग फीट है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का रिकॉर्ड अमेरिका के पेंटागन के नाम था। पेंटागन का बिल्डअप एरिया 65 लाख वर्ग फीट है। सूरत में बने इस मेगा स्ट्रक्चर में 9 ग्राउंड टावर और 15 मंजिला है। 9 रेक्टेंगुलर टावर एक सेंट्रल पाइप से जुड़े हुए हैं। इनमें 300 वर्ग फीट से 1 लाख वर्ग फीट तक के 4500 से ज्यादा ऑफिस स्पेस है। इस इमारत को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC से प्लेटिनम रैंकिंग मिली है। ऑफिसेज के अलावा डायमंड बोर्स कैंपस में सेफ डिपॉजिट वॉलेट, कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक, कस्टमर क्लियरेंस हाउस, कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, इंटरटेनमेंट एरियाज और क्लब जैसी सुविधाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कई डायमंड ट्रेडिंग कंपनियां यहां अपना ऑफिस खुलना शुरू कर दी है। सूरत डायमंड बोर्ड्स बनाने के 4 बड़े कारण है। भारत डायमंड जेम्स एवं ज्वेलरी के एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। डायमंड के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने वालों को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहती है सरकार। कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग सहित डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े बिजनेस को बढ़ाना चाहती है सरकार। भारत को दुनिया में एक मॉडर्न डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट के रूप में विकसित करना चाहती है सरकार। इस बिल्डिंग को 65,000 से ज्यादा डायमंड एक्सपोर्ट का कन्वीनियंट हब बनाने का लक्ष्य है। इस बिल्डिंग को दिल्ली बेस्ड आर्किटेक्ट सोनाली और मनीत रोस्तोगी और उनकी फर्म मोर्फोजेनेसिस ने डिजाइन किया है। मनीत रोस्तोगी ने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बनाने की चुनौती पर कहा, बिल्डिंग को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ऐसी इमारत कैसे डिजाइन किया जाए जिसमें लगभग 65,000 लोग आ सकते हैं। 65,000 लोग एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। यहाँ हाई सिक्योरिटी जोन भी है। इसके सभी ऑक्यूपेंट एक ही समय में इमारत के अंदर और बाहर आएंगे, इसलिए वर्टेब्रा के शेप की बिल्डिंग बनाई गई है। रीढ़ की हड्डी छोटी हड्डियों की एक सीरीज से बनी होती है जिन्हें वर्टेब्रा कहा जाता है। इस तरह यह बिल्डिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सूरत डायमंड बोर्ड्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत बनाया गया है। इसे हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका वीडियो पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुके हैं। 9 टावर और 15 मंजिलों वाली डायमंड बोर्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है जो पेंटागन से भी बड़ी है। अमेरिका का पेंटागन 65 लाख स्क्वायर फीट में बनी है जबकि डायमंड बोर्ड 67 लाख स्क्वायर फीट में बनी है। डायमंड बोर्ड्स में देश का सबसे बड़ा रेडिएंट कूलिंग प्लांट लगाया गया है। इससे इमारत के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। यहाँ पॉलिश डायमंड, डायमंड गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ज्वेलरी समेत हाई वैल्यू गुड बड़ी बड़ी मात्रा में खरीदने और बेचे जा सकते हैं। सूरत का हीरा इंडस्ट्री फिलहाल सालाना 2 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। डायमंड बोर्ड्स के जरिए यह बिजनेस 4 लाख करोड़ रुपए की होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने आज सूरत एयरपोर्ट पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी हुई इंटीग्रेटेड टर्मिनल पीक आवर्स के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। इसके अलावा इसकी एनुअल पैसेंजर होल्डिंग क्षमता 55 लाख तक बढ़ेगी। तो साथियों यह थी सूरत डायमंड बोर्ड से संबंधित बातें जिसमें हमने आपको बताया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अमेरिकी रक्षा विभाग का बिल्डिंग पेंटागन था जो 65 लाख वर्ग फीट में फैला था, लेकिन अब भारत में बन चुका है दुनिया का
सबसे बड़ा बिल्डिंग जो है सूरत डायमंड बोर्स सूरत में है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।